तो वो रेवड़िया तो वो बांट रहा है। मोरी जी सुन लो, जब भी रात रात को फोन करते हैं तो मनीष जी हाजिर हो जाते हैं, तो उनको जब वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ ही हैं। आलोक जी को मैं कई बार फोन कर दिया, वो फोन नहीं उठाता बंदा। उसका बोलने का एटीट्यूड सबसे बेकार है। हम भी जितेंद्र देते पहले वोट, लेकिन अगर 100% चांस हम मनीष को देंगे वोट। और भी आलोक भाई वो उनके चले चपट्टे रहे, उनसे संपर्क करो, तब तो वो कामों को काम हो न भी हो उसका कोई कन्फर्म नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। इस चुनावी यात्रा में दोबारा से आपका स्वागत है और अभी हम मौजूद हैं शाहपुरा के बिशनगढ़ तिराहे पे। और इस बिशनगढ़ तिराहे से शाहपुर की जनता क्या सोच रही है, कांग्रेस बीजेपी या फिर कोई और व्यक्ति या और कोई पार्टी, ये उनके दिमाग की बात है, मगर वो हम जाने और उस हमारे ज़रिए आप तक बात पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। आइए चलिए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करके ही आपको बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम गुल्लाराम। गुल्लाराम जी हैं यहीं के शाहपुरा के रहने वाले? मनोहरपुर के यहाँ के। हाँ, मनोहरपुर शाहपुर में ही आता है ना। हाँ। इस बार क्या लग रहा है शाहपुर में विधायक कौन बनेगा? ये तो अभी तो पूरा पता नहीं है। मनीष यादव कौन बनेगा? मनीष यादव। चलो आपसे पूछेंगे, मनीष यादव कह रहे हैं, आपको भी लगता है? हाँ, जोर तो है उसका। है उसका, है उसका जोर है। क्यों विधायक का नहीं है जो आलोक बेनीवाल विधायक है? वो अतरा काम ही नहीं कराया। क्या काम नहीं करा? इधर देख के बोलो। ये देखो ना, ये क्या नाम जी का, ये रोड देखो। अच्छा, रोड दिखाएं, रोड नहीं है सही? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, जनता बहुत परेशानी में। क्या परेशानी में जनता? गुवादियों में। ये रोड का परेशानी में ही। और कुछ? और पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था तो अरे थोड़ा बहुत नल आता है, तीसरे दिन आता है। अच्छा, तीसरे दिन आता है, मतलब थोड़ी दिक्कत तो रहती होगी। हाँ रही। आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार? कौन का? मेरा? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस में जाता है मेरा, कांग्रेस में ही जाएगा। कांग्रेस में जाता है। आपका क्या नाम है भैया? महेंद्र गुर्जर। महेंद्र गुर्जर। तो यहाँ जो जाट और यादवों और जो गुर्जर की लड़ाई समझते हैं, एक जगह में था तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जाट और यादवों के बीच में जो निर्णय लेने वाली कास्ट है वो गुर्जर है, वो जिस तरफ हो जाते हैं उस तरफ वो आदमी जीत जाता है। सही बात है भैया? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ। क्योंकि जो लोग भाग है ना अपने, जो जैसे आज मैं परेशानी में हूँ, जो मेरे साथ खड़ा है, तो मैं उसका एहसान कभी जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ ना, तो मेरे से सेल्फिश आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं कोविड आया, सब विधायक जी और जो पहले विधायक रहे हैं और भी कोई जो भी हैं, जो भी नेता लोग हैं, सब अपने अपने घरों में बैठे थे। एक किसान का बेटा जो मनीष यादव जी है, वो हम सबके बीच में आ रहे थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर ख़त्म हो रहे थे, वो भी उन्होंने एक फ़ोन कर देते थे ना, तो वो उपलब्ध करवा रहे थे। अभी लंपी की बीमारी आई, इनमें गायें मर रही थी, सब अपने अपने घरों में बैठे थे। मनीष यादव जी ने घर घर जाके जो भी बीमारी थी जहाँ जहाँ पर भी, वो वैक्सीनेशन का काम करवाया उन्होंने। कोविड के अंदर खाने के पैसे नहीं थे, गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं इनके पास खाने के पैसे नहीं थे। जो आम आदमी जो रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उनका काम बंद था, तो उनके पास भी पेमेंट नहीं आ रहा था। उस टाइम पर मनीष यादव जी अपनी तरफ से, बल्कि वो कुछ थे भी नहीं, एक आम आदमी अपने जैसे ही आम आदमी थे, अपनी तरफ से किट बंटवाए। अब उस इंसान, वो जो उनके पास में रोटी पहुँचाया, उनके लिए तो वो भगवान है। हाँ जी, आज मेरे को कोई रोटी देता है, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे को कुछ खाना खिला रहा है, तो मेरे लिए वो भगवान स्वरूप ही है। हमने भगवान को देखा नहीं है, बट भगवान किसी तरह में हमारी मदद करते हैं, तो उनके थ्रू मदद करवा रहे, तो हमारे लिए तो भगवान वही हो गए। तो पिछली बार मनीष यादव हार गए थे, इस बार लग रहा है कांग्रेस से टिकट 100% जीतेंगे? कांग्रेस जीतेगी, मनीष यादव जी जीतेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की फाइट होगी? हाँ होगी, बिल्कुल। कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा आपको? हाँ, आप हमारा ही क्या, जो युवा है, जो गरीब आदमी है ना, जो किसान वर्ग है, वो पूरा मनीष यादव जी को सपोर्ट करेगा। और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेस जीतेगी? अब देखो, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को पहले क्या होती थी कि भाई जैसे मेरे मान लो मेरे घर में कोई परेशानी हो गई, बीमारी हो गई, तो मेरा पूरी साल भर की कमाई तो बीमारी में चली जाती थी। आज गवर्नमेंट ने 25 लाख तक का तो इलाज भी कर दिया, फिर गवर्नमेंट हमें खाने के लिए रोटी थोड़ी दे, अपना भी तो फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। गवर्नमेंट के भरोसे थोड़ी बैठे रहे अपन, समझदार लोग तो अपन उसके भरोसे थोड़े बैठे रहे कि भाई गवर्नमेंट सब कुछ काम करके देगी अपने को। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और क्या चाहिए अपने को बताओ। तो मतलब गहलोत सरकार पसंद है आपको? सरकार के काम पसंद है, सब काम पसंद। हाँ बिल्कुल, काम सही सरकार पसंद। हाँ, काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है भैया, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं।
और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मानना है। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है? मेरे से मत करो, मैं लेट। नहीं नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक दो बात ही है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कृष्ण चौधरी। ठीक है, शाहपुरा के रहने वाले? नहीं, तो बैरोड। अच्छा, बाहर से हैं आप? आप भी भैया शाहपुरा से ही? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन विधायक बनेगा? राव राजेंद्र सिंह। बीजेपी? हाँ बीजेपी। टिकट मिलेगी उनको बीजेपी से? मिलेगी भाई। हाँ मिलेगी। क्यों जीत, क्यों बनने चाहिए वो विधायक? अब ये मत पूछे क्यों बननी चाहिए। मोदी जी अच्छा अच्छा काम, मोदी अच्छा आदमी है, मोदी की वजह से बना। हाँ मैं तो मोदी डाला, शाहपुरा में मोदी थोड़ी काम करने आएगा। अरे तो फूल ने डाला, फूल भी पार्टी के कट्टर सपोर्टर। बिल्कुल, जन्म सुई जन्म सु। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद चौधरी नाम है। यही रहने वाले शाहपुरा की? क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस बीजेपी कौन जीतेगा? कांग्रेस में अगर आलोक जी बेनीवाल को टिकट देते तो कांग्रेस की सीट 100% शाहपुरा विधानसभा से निकलती, लेकिन आला कमान ने आलोक जी का टिकट काट कर बहुत गलत किया है। इससे आम जनता में कांग्रेस ने कहा अनाउंस करी है दिया, आज कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव ने कांग्रेस के सिंबल से फॉर्म भर दिया। उन्होंने फॉर्म भरा है बट अभी कांग्रेस ने अधिकृत नहीं जानकारी दी। कैसे उसके पास मैसेज है तभी तो उन्होंने फॉर्म भरा है ना। कांग्रेस ने अपने तरफ से तो कोई सूचना नहीं दी है ना। कांग्रेस ने सूचना नहीं दी, लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल पे नहीं, नामांकन किया है, सिंबल कर दिया ना सर। हाँ तो वो ही रोष है हमारे अंदर, इसलिए हम कांग्रेस सी आदमी है। बात बताओ, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आलोक बेनीवाल है ना, बिल्कुल थे पहले हम आलोक बेनीवाल के, फिर जब उनको टिकट नहीं मिली तो आदमी निर्दलीय उतर गया। हाँ। तो उसको कांग्रेस क्यों टिकट दे जिसने दगाबाजी करी? उसने कांग्रेस की सरकार बचाई, पूरे 5 साल कांग्रेस के साथ रहकर गिरती हुई सरकार को आलोक जी बेनीवाल ने बचाई। एक विधायक से, एक विधायक 13 विधायकों ने दिया था ना साथ, 12 को टिकट दे दिया, एक इसका ही क्यों काटा उन्होंने टिकट, बताओ। कोई बात तो रही होगी ना। कौन सी बात रही आप बताओ? ऊपर वो तो ऊपर वाले लोग डिसाइड करते हैं। निर्दलीय एमएलए में से 12 एमएलए को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, एक का टिकट काट कर उन्होंने क्या जाहिर किया? बट इस बार उनको क्यों दे जो कांग्रेस के साथ नहीं रुका, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गया बिना पार्टी के? बिना पार्टी के निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीत कर पूरे 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट को बचाया, उनके साथ रहा। बट कांग्रेस वापस तो नहीं आए ना, वो निर्दलीय रहे ना। तो वो 13 विधायकों में से 12 भी तो कांग्रेस के नहीं थे ना, वो भी तो निर्दलीय थे ना। फिर उन्होंने कांग्रेस का वो टिकट कैसे दे दिया कांग्रेस ने उनको? आप समर्थक हैं आलोक बेनीवाल? बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं आलोक बेनीवाल। नाराज हैं उनको टिकट ना? बिल्कुल नाराज हैं। इस बार वो दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो तो उनका फैसला होगा, आम जनता का फैसला होगा। उनके कांग्रेस के साथ होंगे या आलोक बेनीवाल? आलोक बेनीवाल के समर्थक हैं, आलोक बेनीवाल के साथ हैं। कांग्रेस के साथ नहीं? नहीं है कांग्रेस के साथ। आपका क्या नाम? मेरा नाम धर्मराज गुर्जर। वोट डालते हैं? वोट तो 18+ हो गए, 23 के हो गए। 23 के हो गए, लग नहीं रहा है। चलो, किसको देते हैं वोट, कांग्रेस बीजेपी? अभी तक तो बीजेपी को दे रहे थे। चेंज करने का मूड है? हाँ, आपकी बार मनीष यादव को देने का मूड। क्यों ऐसा, बीजेपी से मनीष यादव क्यों? ऐसा है कि मतलब आम जनता की जो सुनवाई हुई वो मनीष यादव के द्वारा हुई है पूरे अब की बार शाहपुरा में। पहले विकास तो खैर सभी करवाते हैं, सड़कें ये तो बजट के, बजट से बनती हैं, लेकिन जो आम और आम लोगों की जो सुनवाई हुई है ना मनीष यादव जी के द्वारा। ऐसी क्या सुनवाई करी है उन्होंने? उन्होंने कोरोना के अंदर और किसी को बजट, वो ब्लड की व्यवस्था, हर व्यवस्था और मतलब मैं सारी व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, सभी व्यवस्था पूछाई थी उन्होंने। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बननी चाहिए? राजस्थान में दोनों के मुकाबला है, मतलब बराबर का मुकाबला है। अच्छा, टक्कर है? टक्कर है, लेकिन यदि सचिन पायलट जी थोड़ा पुरजोर तरीके से आ गए ना तो वो कांग्रेस को ला देंगे वापस। और लगता है बिल्कुल सचिन पायलट जी यदि पुरजोर तरीके से आए ना तो फिर सरकार आएगी। आप युवा हैं इसलिए युवा नेता को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, वो मतलब साफ ईमानदार व्यक्ति हैं सचिन पायलट जी, और वो युवाओं को भी आगे लाना चाहते हैं, इसलिए हम, और वो पसंद है हमारे को। आगे आओ, क्या नाम है आपका? राज है, धर्मा। धर्मा, मेरा तो माम राज है। किसको, शाहपुरा में कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी किसको वोट जाता है? अब देखो, अभी तो देखो नहीं, अब तो 20 दिन बचे हैं, अब तो देख लिया, 5 साल देख लिया, अभी बताओ तो किसको वोट देते हो? वोट तो अब तो देखो, इसी को मनीष यादव को देंगे। अब कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का सेट, नहीं बीजेपी के ही हम तो वैसे तो। मनीष यादव को तो कांग्रेस से टिकट मिलेगी। हाँ, तो अब की बार बीजेपी कांग्रेस को देंगे तो वोट? अब तक बीजेपी को देते थे, अब कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस, मनीष यादव की अगर मन है सर। ऐसा क्या किया है मनीष यादव? मनीष यादव ने हमारे को व्यवस्था करी ब्लड बैंक में, हमारे कोई बीमार हो गया था उसी टाइम के अंदर जो व्यवस्था करी उन्होंने,
बहुत अच्छी करी, और जैसे किराया भी बीत गया तो किराया भी दिलवाया, ब्लेड का काम किया उन्होंने। ठीक है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर देखो गुरुजी से करो। नहीं, आपसे पहले फिर गुरुजी से। मैं तो सुनू मनीष यादव नाम से ना, इधर आओ, इधर नाम बताओ। मैं तो सुनू कांग्रेस, हाँ चाहे बिलेंस कांग्रेस को कोई भी आओ प्रतिष्ठा, बीजेपी नहीं, नहीं मोदी नहीं पसंद बिल्कुल। अरे मोदी सुखा मतलब समान तो इंडिया की, चाहे मोदी खड़े खापा थोड़ी देर लोग। और राजस्थान में? राजस्थान में देखो हमें तो ज्यादातर कांग्रेस की ले तो चाहो। अच्छा, सही बता, बढ़िया काम करती है कांग्रेस? हाँ बढ़िया करी, जड़े तो दे रहे था। कुछ लोग कह रहे हैं गहलोत की सरकार वापस नहीं आएगी। कहीं को ना उली आउली पंक्त। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हनुमान सर। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस और बीजेपी शाहपुरा में किसको आपका समर्थन? कांग्रेस। क्यों है कांग्रेस को? गहलोत सरकार कांग्रेस, क्योंकि गहलोत सरकार ने जनता की भलाई के लिए अच्छे काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं, गरीबों के लिए अच्छे काम किए हैं, तो गहलोत सरकार आनी चाहिए और गहलोत सरकार के समर्थन में होता है। इससे कोई भी आए, अब ये पर्टिकुलर ये तो है नहीं कि आलोक मनीष या और कोई, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। पार्टी को सपोर्ट है? हाँ पार्टी को। कांग्रेस जिसको टिकट दे देगी, जिसको टिकट दे देगी उसी के साथ। आदमी मैटर नहीं करता? नहीं आदमी कोई मैटर। तो पहले से ही कांग्रेस ही है आप कट्टर? हाँ पहले से भी कांग्रेस ही है, बीच में वो ये भी थे, वो बीजेपी के साथ भी रहे, लेकिन अधिकांश थे कांग्रेस। मोदी पे क्या विचार है आपका? उन्हें मोदी जी गरीबों के लिए कोई सहयोग नहीं है मोदी जी का। अच्छा? मोदी जी संविधान विरोधी हैं, संविधान ख़त्म करना चाहिए चाहते हैं वो, और अपने पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देना चाहते हैं, गरीब को तो मारना ही चाहते हैं, गरीब को तो गरीब ही रखना चाहते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके, वो संविधान विरोधी हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनके पर्सनल उसने कहा था कि संविधान बदलेंगे। अच्छा, उनका खुद का उनका असिस्टेंट था, उनका बयान था कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए लग रहा है। तो मोदी जो हैं वो गरीब की नहीं सुनते? नहीं सुनते। राहुल गांधी? राहुल गांधी गरीब की सुनते हैं, गरीब के हित में वो बात करते हैं। अभी लग रहा है कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी अवश्य बनना चाहिए, बनना चाहिए। राजस्थान सपोर्ट करेगा उनको? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। और क्या नाम है जी आपका? मदन लाल जी। हाँ मदन लाल। मदन लाल जी ये बताओ कि इस बार शाहपुरा में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस भाई। क्यों कांग्रेस? हाँ जी क्यों देना चाहते हैं वोट कांग्रेस को? फायदा कर रही है इसलिए। क्या फायदा करा आपका? हैं क्या फायदा? फायदा करा, फायदा बढ़िया, आपका समर्थन रहता है उनको। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? महराज बिश्ती नाम है मेरा। हैं महराज बिश्ती? महराज बिश्ती। हाँ। यहीं शाहपुरा के रहने वाले? शाहपुरा गए हैं, मनोहरपुर गए हैं। मनोहरपुर शाहपुरा में ही आता है? ऐसी बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चलो ये बताओ कि किसको विधायक चुन रहे हैं इस बार? इसके बाद मनीष यादव। कांग्रेस? कांग्रेस। मनीष यादव? मनीष यादव। क्यों ऐसा? काम बढ़िया क्या है कांग्रेस ने? अच्छा, सभी को बीजेपी बढ़िया नहीं करती? नहीं बीजेपी को तो देख ली, लेकिन गरीब के लिए बढ़िया है कांग्रेस, जमीन से जुड़ी पार्टी। अच्छा, जमीन से जुड़ी पार्टी है, गरीबों को देखती है, सबको देखती है। 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं? अब वो तो देखी जाएगी, वो बाद में देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल। उधर भी भैया हैं, इधर आ जाओ, आपसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कल्याण। कल्याण सिंह, यहीं के रहने वाले? हाँ, नौलपुरा के। अच्छा, ये बताओ कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी किसको चुन रहे हैं? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस सही काम करती है। सही काम करती है? हाँ। गहलोत ने बढ़िया काम किया है? हाँ। हाँ। और आपके यहाँ के विधायक हैं? विधायक जो है अब मनीष यादव आ रहे हैं? अब मनीष यादव आ रहे हैं? हाँ। पक्की बात? पक्की है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब मनीष भैया के सपोर्टर हैं? हाँ। ऐसी कोई बात है क्या? सभी विधायक नहीं पसंद यहाँ पे किसी को? है आलोक बेनीवाल? नहीं ठीक थे, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं तो नया, अब नया परिवर्तन चाहिए। हाँ नया आना चाहिए अब। ठीक, क्या नाम है अभी आपका? उमेश यादव। क्या लग रहा है इस बार कौन है, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। आप भी कांग्रेस? क्यों? शुरू से कांग्रेस में? शुरू से बीजेपी नहीं पसंद? नहीं बीजेपी पसंद। राजस्थान में भी कांग्रेस? राजस्थान में कांग्रेस। अगर कांग्रेस की टिकट आलोक बेनीवाल जी को चली जाती है तो? नहीं फिर हम मनीष जी को देंगे। फिर मनीष जी को देंगे? हाँ। फिर मतलब आदमी को बदल जाएंगे? हाँ आदमी ऐसे बदल जाएंगे, ये रोड पड़ी है, काम नहीं किया, काम ही नहीं किया। इस बार बदलाव की मूड में है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी क्या नाम है आपका? रमेश अटल नाम मेरा। यहीं के रहने वाले? नहीं
छापरा की बात कर रहे हैं। इस बार किसको विधायक चुन रहे हैं? इस बार पहले तो कांग्रेस बीजेपी चेहरा मनीष यादव। अच्छा, चेहरे पे चेहरे पार्टी पे नहीं, पार्टी कांग्रेस या कांग्रेस उसको देंगे, मनीष जी को देंगे। और कांग्रेस ने आलोक बनियाल जी को टिकट दे दिया तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, मनीष जी तो मनीष जी को देंगे। मनीष जी को देंगे। क्यों देना चाहते हैं मनीष को वोट? बंदा बढ़िया है, हर चीज़ में, दुख सुख में, हर चीज़ में एक नंबर बंदा है। आलोक जी को मैं कई बार फ़ोन कर दिया, वो फ़ोन नहीं उठाता बंदा। अच्छा, उसका बोलने का एटीट्यूड सबसे बेकार है। मनीष जी को आप कभी फ़ोन कर दो, मेरे को तो ऐसी जो लगभग जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन मैंने एक बार ब्लड के लिए फ़ोन किया था मनीष जी को, लगभग 11:30 बज रहे थे, उन्होंने हैंड टू हैंड हॉस्पिटल में ब्लड की व्यवस्था करवा दी। कोरोना के अंदर ही मैंने एक दो बार फ़ोन ही किया व्यवस्था, तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, इसलिए मनीष जी मेरे को बढ़िया लगे। मतलब कोरोना में साथ खड़े थे, कोरोना में भी हर चीज़ में, कोरोना से मतलब नहीं है, हर चीज़ में साथ देते हैं, हर चीज़ में। और राजस्थान को लेके क्या विचार है कांग्रेस? राजस्थान में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी 1-1%। अच्छा, वो ये जो ट्रेंड है 5 साल वाला, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, आपके ऊपर नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा आपके ऊपर। यहाँ पे कांग्रेस को जिता रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, तो सभी जगह बढ़िया काम किया अशोक गहलोत ने, बिल्कुल शानदार, गरीबों के लिए, हर आदमी के लिए, हर एंगल से। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसी एंगल से देखो या गरीब से देखो, नॉर्मल देखो, हर एंगल से बढ़िया काम किया अशोक गहलोत ने, बढ़िया। हाँ बढ़िया, आपका समर्थन कांग्रेस को बिल्कुल कॉपी 101%। और भी लोग हैं भैया, क्या नाम है? विकास यादव। क्या लग रहा है इस बार? ओ यादव ही हैं आप लोग, मैंने सुना है जाट और यादव ही डिसाइड करते हैं कि शाहपुरा का विधायक कौन बनेगा। मनीष यादव। अच्छा, तो यादव ने एक यादव को चुन लिया। हाँ है? नहीं वैसे नहीं, काम करता है, काम के चक्कर में या जातिवाद के चक्कर में? नहीं काम से। अच्छा, वो सब काम करता है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सब चीज़, कुछ भी फ़ोन करके बोल दो आप, मनीष यादव टक फ़ोन उठाता है, आलोक बेनीवाल कॉल ही नहीं उठाता। बिल्कुल आते ही नहीं विधायक जी? आते ही नहीं, आज तक आए नहीं 5 साल के अंदर, किसी के भी, किसी के भी नहीं आया। और मनीष यादव का कॉल कर दो, 5 मिनट का अंदर आ जाएगा। तो मनीष को वोट, मनीष को पूरा सपोर्ट है। वैसे विकास के क्या मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि मनीष काम करें या जो भी विधायक बने वो काम करें? कुछ भी काम करा लो मनीष के पास, मना नहीं करता। आओ, ये भी भैया हैं, क्या नाम है जी? कॉल पे हैं क्या? आइए चलो और लोगों से बात करते हैं, जब तक इधर चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ बैठे हैं 2-3 लोग, आ जाओ उनसे ही बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन? अभी इधर तो हो गए हैं, उधर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे तो देख ही रहे हैं, सबका जवाब हमें मिल ही रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में, बट यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या हाल है? बस बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सेन। अब ये हम पूछ रहे हैं यहाँ पे सबसे कि शाहपुरा में इस बार कांग्रेस या बीजेपी किसको ला रहे हैं? अब साहब मैं तो दोनों तरफ ही था। दोनों तरफ वोट तो एक ही जगह जाता है जी। वोट तो मैं बीजेपी में हूँ, पहले बीजेपी में था, पहले बीजेपी में था। अच्छा, तो अभी बदलने का मूड है क्या इस बार? हाँ, बदलने का मूड है क्या? हाँ, मनीष को देंगे वोट, तो मनीष यादव को वोट देंगे उनको। कांग्रेस से टिकट मिली तो? हाँ। नहीं नहीं मिली तो नहीं। भी नहीं, अगर कांग्रेस भी आ गया ना तो हम तो बीजेपी में, फिर क्या करेंगे बताओ। तो इस बार बदलने का चक्कर है। हाँ ठीक है, क्या नाम है जी आपका? गोवर्धन सिंह है साहब। गोवर्धन सिंह जी। अच्छा जी, आप बताओ एक बार, जाट हैं क्या? नहीं, सैनी है जी। अच्छा, सैनी है। तो ये बताओ कि मैंने सुना है कि जाट और यादव ही मिलके डिसाइड करते हैं कौन बनेगा विधायक। ये तो बराबर से बोर्ड है जाटों का, यादवों का साहब। तो डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड तो जो दूसरी जात है ना, गुर्जर। नहीं नहीं नहीं, गुर्जर भी कम है हमारे, माड़ी जाते हैं, मानी जाते हैं जो अशोक गहलोत है। हाँ, सैनी। सैनी। हाँ, तो फिर तो आप सही आदमी है। फिर आप बताओ कि इस बार किसकी तरफ, जाट या यादव? कौन हम? हाँ, हम तो मनीष यादव को चांस देंगे साहब। मनीष यादव को? हाँ, चांस देना चाहते हैं या बढ़िया आदमी है या कोई और चक्कर? बढ़िया आदमी देख के, मैं जातिवाद से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काम से मतलब है? काम से मतलब कैंडिडेट सही है साहब। हर काम में कोई भी काम बुलाता है, कोई भी काम आता है तो तुरंत आता है, तुरंत सुनता है साहब। आज तक कोई कैंडिडेट, सब जीते हुए हैं, सब आ रहे हैंगे, लेकिन कोई नहीं सुना था ही करता। उसको अभी आम छोटा सा आदमी बच्चा याद कर लेने, तुरंत आएगा और तुरंत सुनेगा। मतलब जनता में पसंद किए जाते हैं। हाँ, हम वो पार्टी से मतलब नहीं, हमको आपका पार्टी हो, हम बीजेपी दे रहे थे पहले वोट, लेकिन अगर 100% चांस हम मनीष को देंगे वोट।
और राजस्थान में इस बार कांग्रेस ही वापसी करेगी या बीजेपी? अब साहब राजस्थान की नहीं कर सकते हम। गहलोत ने, अशोक गहलोत सरकार ने बढ़िया काम किया या कुछ? बढ़िया काम किया साहब, बढ़िया काम किया है उन्होंने, तो अच्छा काम किया, सबको सबको दवाई फ्री दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, और भी इसको काम किया है, अच्छा काम किया साहब, अच्छा काम किया। हाँ। चलो और भी भैया, क्या नाम है भैया आपका? नेहपाल सिंह यादव। यहीं के रहने वाले? हाँ, पड़ोस का गांव है, शाहपुरा में ही आता ना। शाहपुरा की पूछ रहे हैं, इस बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? गोलोजू का ये गढ़ है क्या कांग्रेस का? नहीं, हर आदमी का विजन अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा किया। एक आप चीज बताओ, अब ये वो कौन सी स्कीम है तो किसानों का फ्री वाला बिल, बिल्कुल सही है। दूसरा वो हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं उसको, चिरंजीवी योजना, हर प्रकार की काश्तकार को, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कांग्रेस सरकार हर प्रकार से अच्छा प्रयास कर रही है। तो राजस्थान में भी कांग्रेस की वापसी कह रहे हैं आप? हाँ, 150+ आएगी। अच्छा, 150+, 200 में से? 200 में से कांग्रेस की? कांग्रेस की। बीजेपी को बहुत हल्के में ले रहे हो? हाँ, नहीं ले रहे हैं तो अपन चार तरफ घूमते हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ शाहपुरा में कांग्रेस? शाहपुरा में कांग्रेस। अगर आलोक बेनीवाल को टिकट मिल गया तो? कांग्रेस। हम आलोक मनीष ऐसे नहीं, कांग्रेस है। कांग्रेस के? कांग्रेस। पार्टी के कट्टर है? हाँ, पार्टी के कट्टर, चाहे कोई भी हो। हाँ, कांग्रेस। ठीक है, ये भी जरूरी है। और भी लोग यहाँ आ गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मन बोल रहे हो? वोट तो देते होंगे, वोट बस यही सवाल है हमारा, वोट इस बार कांग्रेस को या बीजेपी को? मनीष यादव को देंगे हम, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे कोई सी पार्टी से आए, निर्दलीय उतरे, चाहे निर्दलीय उतरे, मनीष यादव को विधायक बनाना है। हाँ, क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो सभी प्रकार से, कोई भी जरूरत पड़ती है, जरूरतमंदों की सभी की हेल्प करता है वो। अच्छा, किसी को कैसे चल लेचा पार्टी नहीं बनाता, वो खुद फेस टू फेस मिलता है, ये रीजन है। लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में विधायक हैं अभी आलोक बेनीवाल, वो उनके चले चपटे रहे, उनसे संपर्क करो, तब तो वो कामों को काम हो न भी हो उसका कोई कन्फर्म नहीं है। लोगों के बीच में उपस्थिति नहीं है? उपस्थिति नहीं है। ठीक है, क्या नाम है भैया? रामचंद्र सैनी। क्या लग रहा है इस बार शाहपुरा में कांग्रेस बीजेपी? जी ये तो कह नहीं सकते कि भाई आलोक जी आएंगे या राव साहब आएंगे या फिर मनीष जी आएंगे, पर ये है कि पार्टी का वोट है की बार। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। तो वही तो पूछा मैंने आपसे कि कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों देना चाहते हैं कांग्रेस? हर प्रकार से हर चीज की सुविधा दे रही है। दे रही है। हाँ जी। और अगर आदमी की बात करें तो? अब आदमी की बात करें तो ये तो देखो सर क्या बताया जाए, हम बताना नहीं चाहते हैं। खैर कोई नहीं, चलो आपका दिखा रहे हो। वैसे तो मन चाहे तो मनीष भाई जी को देना। यहाँ कोई तो चक्कर है, सब लोग जितने भी मुझे मिले हैं कांग्रेस और मनीष यादव बोल रहे हैं बस, हैं और किसी को पसंद है? क्या कह रहे हैं ना, वो काम किया है। हाँ। अच्छा, यही कारण है? पक्का? हाँ, पक्का है। मनीष जी तो क्या है कि हर छोटे बड़े क्या कह रहे हैं, दगर जीते हुए काम करा रहा है वो, तो जीते बाद में तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा साहब, ये बात भी सही। हाँ, एक मौका तो उसको देना चाहिए ना, पिछले दो बार से हारे भी है ना। हाँ नहीं, एक बार देना भी चाहिए मौका, भाई नया नया कैंडिडेट है, जनता के बीच में सबसे लड़े मिला हुआ है, तो एक मौका उसको मिलना चाहिए। मस्त आदमी है, सबकी सुनता है। अच्छा, सबकी तो सुनता है, चाहे मोबाइल से फोन करके भी बता दे साहब ये परेशानी है, तो वो तुरंत इलाज होता है उसका, कोई भी समस्या होता है ना उसका तुरंत इलाज होता है, इसलिए जनता पसंद करती है, पसंद इसीलिए जनता उसको चाहती है। पार्टी का है या बिना पार्टी का है, क्या कह रहे हैं? जो भी कोई काम करेगा उसको पसंद करेगा सब। आपका वोट भी कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को है अपना भी यहाँ पे, है ना, सब धीरे धीरे करके। आप भी कांग्रेस ही? हाँ जी, कांग्रेस को। राजस्थान में भी बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में मनीष की। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं पहले बीजेपी में थे अभी कांग्रेस, बदलने का क्या कारण है? यह आदमी है ना, जो दिल से जो सुनता है ना उसकी ही साथ है, जो नहीं सुनता है ना उसके साथ कोई नहीं है। तो कौन? बीजेपी अभी सुन नहीं रही है? बिल्कुल ही नहीं सुन रही। हमारे लिए जब भी आधी रात को फ़ोन करते हैं तो मनीष जी हाजिर हो जाते हैं, तो उनको जब वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ ही हैं। जनता से ही तो नेता बनते हैं, जनता से, जनता बढ़ाती है सब, जनता ही बनाती है। क्या आपसे बात हो गई है? आप इधर आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? जी मैं तो बोल लिया। अच्छा, आपसे बोल लिया, आपने बात कर ली। और यहाँ कोई है जिससे हमने बात नहीं करी है? सबसे बात कर लिया। हाँ, नहीं पी रहे, अभी पी रहे, पहले बात कर लें। अच्छा, वो भाई साहब मेरा वाला वीडियो
अरे नहीं करेंगे अभी नहीं, अभी तो देखो कैमरा चल रहा है, अभी बात करने दो फिर उसके बाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सीताराम मीणा। सीताराम मीणा, मीणा यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कौन विधायक बनेगा, तो ऐसा कैसे ऐसा है? हम तो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? नहीं सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? करते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस को ही वोट जाता है आपका? कांग्रेस को। बढ़िया काम करती है कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा काम करती है। गहलोत सरकार भी बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है मुझे लग रहा है। हम कांग्रेस भी गरीब आदमी के अनाज फ्री, अच्छा, और बीमारी अच्छा हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ, कोई सब सुविधा मिलती है। मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ, वो तो देखो ना टंकी लगाई थी मोदी जी ने, पानी नहीं जा रहा। हाँ। वो तो केंद्र सरकार की योजना थी। हाँ। उसमें पानी नहीं, नली नहीं खुल रहा, तो काहे का वो रेवड़िया भी आप बांट थोड़ी रहे, वो तो पब्लिक को गुमराह कर रहा है। सही बात है, तो मतलब रेवड़िया तो वो भी देते हैं, राशन दिया फ्री में, वो तो दिया। जब गहलोत सरकार ने जो काम किया है, विकास किया है, जो गरीब आदमी अच्छा इलाज करवा रहा है, वो सराहनीय कार्य है। और जो वो दे रहा है पानी के लिए, भाई घर घर में जाएगी, टूटी खुलेगी, सबके पानी आएगा, लेकिन कहाँ आ रहा है पानी? टंकियाँ बन गई, पाइपलाइन आदि फूटी हुई पड़ी है, जा रही नहीं, पानी की व्यवस्था ही नहीं। पानी की टंकियाँ विधायक ने लगवाई हैं या बीजेपी ने? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगवाई। हाँ, मोदी सरकार ने लगवाई थी ना ये, उनकी ये योजना उनकी थी ना, केंद्र सरकार की तो ये योजना थी। तो जो टंकी बनाने से थोड़ी काम चलेगा, घर में पानी तो जाए। सही बात है, पानी नहीं आएगा तो टंकी का। हाँ, तो वो रेवड़िया तो वो बांट रहा है। मोदी जी सुन लो, रेवड़िया तो आप ही बांट रहे हो, भाई साहब कह रहे हैं। खैर, और लोग यहाँ पे भी हैं। क्या नाम है जी आपका? PRY। क्या लग रहा है इस बार शाहपुरा में बीजेपी या कांग्रेस? मनीष जी आएंगे शाहपुरा में। मनीष यादव? मनीष यादव। क्यों आएंगे? कार्यकर्ता अच्छा है, अच्छा काम किया है फील्डबैक में, 5 साल अच्छा काम किया है। अच्छा, कोरोना काम किया और गांवों की सेवा की और फील्ड में सुख दर्द में साथ रहा, इस वजह से मनीष जी आएंगे। बीजेपी ने? बीजेपी में क्यों आएंगे? बीजेपी ने, कांग्रेस से आए चाहे निर्दलीय आए। मोदी पसंद है? मोदी, मोदी पसंद नहीं है। क्यों? मोदी के कारण में महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई? महंगाई, महंगाई की वजह से मोदी पसंद नहीं है। ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? एक सेकंड बात करेंगे आपसे। हाँ बोलो जी। इस बार शाहपुरा में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है, तो जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस से उसी को बोल? हाँ, उसी को ही देंगे हम तो। अच्छा। हाँ। आपका जी? दौड़ू यादव है सर। क्या लग रहा है इस बार शाहपुरा में? शाहपुरा में साहब कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की सर? बिल्कुल सर। चाहे किसी को भी टिकट मिले? चाहे किसी को भी टिकट मिले। आप पार्टी को देंगे या आदमी को? मनीष जी को देंगे हम। ये हुई ना बात की मनीष को देंगे, मनीष पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, मनीष किसी भी सिंबल से आए उसी को वोट मिलेगा और जीतेगा। मोदी पसंद है? मोदी। हाँ जी, मोदी पसंद है। अब सेंटर का तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान में चुनाव असेंबली का तो हम इधर की बात करेंगे। गहलोत सरकार वापस आएगी? गहलोत वापस आएगी, रिपीट होगी, बिल्कुल। अच्छा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया। भैया आपका क्या मानना है? मनीष यादव। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल यादव। आप भी मनीष यादव कैंडिडेट? क्यों, कांग्रेस? कांग्रेस। आप सुन ही रहे हैं, हाँ नहीं, चाय ले लेंगे सबने, इतने लोग, इतने सारे लोग हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, हमें इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब मनीष यादव और कांग्रेस के समर्थक हैं, पता नहीं ऐसा क्यों सब लोग एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर खैर, जनता जिसको चुनती है सोच समझ के चुनती है, जिसको पसंद करती है सोच समझ के पसंद करती है। खैर, आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सोचिए, समझिए और वोट डालने ज़रूर जाइए, क्योंकि वो आपका अधिकार है और अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना भी आपका अधिकार है। तो आप कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें या किसी और थर्ड व्यक्ति को दें, वो खुद का आपका निर्णय है। मेहनत लगती है ये सब आप तक पहुंचाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। कैमरा पर्सन आनंद सिंह के साथ मैं गजेंद्र सिंह, शाहपुरा जयपुर।